guys, welcome to my channel and to another video. So in today's video, we are going to talk about electric field. तो ये electric field क्या होती है? उससे पहले हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी दो charges हैं, let's say Q1 and Q2, which are separated at some distance r, तो ये जो दोनों charges हैं, वो एक दूसरे के ऊपर equal and opposite force exert करते हैं. राइट अच्छा उसी तरीके से मैं क्या ले रही हूँ, मैं एक चार्ज ले रही हूँ कैपिटल क्यू और एक दूसरा चार्ज ले रही हूँ क्यू नॉट. कंडीशन ये रखी है मैंने कि ये जो कैपिटल क्यू है इट इज वेरी मच ग्रेटर देन क्यू नॉट. ठीक है, तो होगा क्या, हमें पता है कि जैसे ही हम इस चार्ज क्यू नॉट को लेकर आएंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो रिपल्शन होगा. अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा, एट्रैक्शन होगा, क्योंकि कैपिटल क्यू जो है वो मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले रही हूँ. ठीक है, अच्छा ये अट्रैक्शन या रिपल्शन होना इस चार्ज के पास आकर, ठीक है, तो इससे अराइज होती है एक नई प्रॉपर्टी विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली व्हाट, ये एक स्पेस प्रॉपर्टी है. ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस. ठीक है, मतलब जिस भी स्पेस में अगर एक चार्ज को रखा जाता है तो वो अपनी विसिनिटी में, वो अपने एरिया में एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर लेता है, एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर लेता है. ठीक है, या फिर मैं ये बोलूं परमिएट्स एन इफेक्ट अराउंड इट. मतलब क्या इसका, कि अगर मैं कोई भी एक चार्ज रखती हूं तो वो क्या करता है, अपने आस पास एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर लेता है जिसकी वजह से अगर कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जरूर एक्सपीरियंस करेगा. समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज बेसिकली अ स्पेस प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अगर चार्ज कैपिटल क्यू सिर्फ प्रेजेंट ही क्यों ना हो, तो वो आने से, वो प्रेजेंट होने से अपने आसपास के स्पेस को मॉडिफाई कर देता है, सो दैट कि अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस करे. तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे जो मैंने कैपिटल क्यू लिया है, इस कैपिटल क्यू को हम कहते हैं सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिस भी चार्ज के अराउंड क्रिएट होती है, जिस चार्ज की वजह से क्रिएट होती है, उस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज. और ये जो क्यू नॉट, क्यू नॉट को हम क्यों लेकर आए थे, हम ये इसलिए लेकर आए थे, हम देखना चाहते थे कि क्यू नॉट को लाकर क्या यहाँ पे कोई इफेक्ट होगा. ठीक है, मतलब एक तरह से हम इसको इस कैपिटल क्यू की फील्ड में लेकर आए हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं क्या इसके यहाँ पे फील्ड है या फिर नहीं है. तो क्यू नॉट को हम टेस्ट करने के लिए लेकर आए थे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज. आई होप दैट्स क्लियर. ठीक है, तो कैपिटल क्यू इज सोर्स चार्ज एंड क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज. अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये कि ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, इट इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है द चार्ज क्यू नॉट इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. मतलब ये जो चार्ज क्यू नॉट जो मैंने फील्ड को टेस्ट करने के लिए लिया है, इफेक्ट को देखने के लिए लिया है, दिस चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी इवन कैलकुलेटेड. समझ में आ रही है आपको बात? समझ आ गया ये? तो ये होती है हमारी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बाय वर्च्यू ऑफ विच, या फिर बाय द मेयर प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज, बाय द मेयर प्रेजेंस ऑफ अ सोर्स चार्ज, द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज इज मॉडिफाइड सो दैट अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन. आई होप दैट्स क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Now, what is electric field intensity? देखिए, intensity का मतलब ना, एक तरह से electric field intensity का मतलब है कि जिस electric field के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस source charge की electric field को हम test कर रहे हैं या उसका effect देख रहे हैं, वो electric field कितनी ज़्यादा strong है, उसकी strength कितनी है कि वो दूसरे charge को affect कर सके. समझ में आ रही है आपको बात? तो electric field intensity is basically
द स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब ये देखना कि वो जो एक पर्टिकुलर फील्ड है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है या कितनी वीक है, कि वो आने वाले टेस्ट चार्ज के ऊपर कैसा इफेक्ट डालती है, वो कितना स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करती है या कितना स्ट्रांगली उसको रिपेल करती है. ओके, आई होप दैट्स क्लियर. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ये चीज तो मैंने बता दी. तो ये जो एक डेफिनेशन है ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गई, मतलब मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. लेकिन अगर मैं निकालना चाहूँ कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, मतलब मैं अगर इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की बात करूँ तो ये क्या होता है. देखो, एक्चुअली ये होता है कि अगर आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज तो पता है हमें, लेकिन अगर हम इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेते हैं, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड इज यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड इज वन एंड उसका जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक फील्ड के अंदर डालते हैं, इस चार्ज की फील्ड के अंदर डालते हैं, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से. ठीक है, समझ में आई बात. मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. समझ में आ रही है आपको बात. अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ क्या, कि देखो फोर्स तो हमें पता है ना, कि ये जो फोर्स यहाँ पे जो मैं बता रही थी क्यू वन क्यू टू जिनके बीच का डिस्टेंस आर होता था, उसका फॉर्मूला कुछ ये होता था, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. अच्छा, ये जो एफ है वो डिपेंड करता है आर के ऊपर, अगर आर बढ़ेगा या आर कम होगा तो फोर्स पे इफेक्ट जाएगा. तो मतलब फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ आर, फोर्स डिपेंड कर रहा है आर के ऊपर, मतलब फोर्स इज क्या, अ फंक्शन ऑफ आर. तो मैंने क्या बोला, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट या फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज इज व्हाट, क्यू नॉट, ये जो चीज होती है ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. समझ में आई बात. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, ये जो हमने इज अ फंक्शन ऑफ आर, आर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. उसके बाद जो ई है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों, क्योंकि फोर्स से बना हुआ है ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया. अच्छा, यहां से देख के मैं बता सकती हूँ कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, क्या होगा इसका एसआई यूनिट, बताओ जरा मुझे. इसका जो एसआई यूनिट होगा दैट विल बी, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एंड चार्ज का क्या होता है, कूलाम. तो एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है दैट इज न्यूटन पर कूलाम, ठीक है. अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो ये, कि भले ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ आगे जाकर या फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलूँ, तो इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन में जहां भी मुझे जरूरत होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलूंगी या फील्ड इंटेंसिटी बोलूंगी, इट विल बी वन एंड द सेम थिंग. ओके, दैट्स क्लियर आई होप. अच्छा, एक और चीज जो मैं बताना चाहती हूँ वो क्या, कि मैंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर सपोज कीजिए कि मेरा जो एक सोर्स चार्ज है ना दैट इज पॉजिटिव, यू ऐसे रखा हुआ है मैंने, ठीक है, दिस इज माई क्यू, ओके, एंड यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर आई हूं प्लस क्यू नॉट. ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, वो जो भी अमाउंट लगेगा दैट इज एफ, ठीक है, वेक्टर एफ, और इसका डायरेक्शन विल बी दिस, क्यों, क्योंकि रिपल्शन होगा ना, एंड फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो इसीलिए डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसी होगी. अच्छा, अब जिस डायरेक्शन में फोर्स काम करता है ना उसी डायरेक्शन में ई भी काम करेगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है दैट इज सेम इज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ. समझ में आ रही है आपको बात. ओके, आई होप दैट्स क्लियर. अच्छा, लेकिन तब क्या होगा अगर मैं सोर्स चार्ज को या प्लस क्यू को ना लेके मैं माइनस क्यू ले लूं, मतलब मेरा जो सोर्स चार्ज है जिसकी फील्ड की मैं बात कर रही हूं वो नेगेटिव है, तो क्या होगा. तो सिंपल सी बात है, अगर ये प्लस है तो ये अट्रैक्ट होके माइनस क्यू की तरफ आएगा और हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट विल बी दिस,
और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। समझ में आ रही है बात? तो जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है वही डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। अच्छा, एक और चीज जो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स क्यों बोला मैंने, आउटवर्ड ही खाली क्यों नहीं बोलते? रेडियली आउटवर्ड्स मतलब ये कि देखो, हमेशा और हमेशा फोर्स एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। जो फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, भले ही चार्ज यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, आप हमेशा सेंटर से ज्वाइन करोगे, रेडियस के अलॉन्ग ज्वाइन करोगे ना। और सिंस बाहर की तरफ लग रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो रेडियली आउटवर्ड हो गया। सिमिलरली अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, दैट बिकम्स रेडियली इनवर्स। सिमिलरली रेडियली वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्यों होगा, भले चार्ज यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो हमेशा आप सेंटर से ज्वाइन करोगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पे फोर्स काम करेगा, और जो भी डायरेक्शन फोर्स का होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली इनवर्स। आई होप दैट्स क्लियर। Now, moving on to the next part. देखो, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक स्पेस प्रॉपर्टी है किसी भी एक सोर्स चार्ज की, कि महज उसकी प्रेजेंस से, महज कैपिटल क्यू की प्रेजेंस से ही वो अपने अराउंड का जो भी एरिया है, जो भी उसका विसिनिटी है, वो उस स्पेस को मॉडिफाई कर देता है, सो दैट आने वाला कोई भी दूसरा चार्ज होगा तो उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगा। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है ना कि अब जो क्यू नॉट आ रहा है वो भी बाई नेचर एक चार्ज ही है, वो भी तो अपने अराउंड कोई और अपना अपना इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि वो भी चार्ज है। तो हम क्या लेते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जो टेस्ट चार्ज होगा उसको हम काफी स्मॉल रखेंगे, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल रखेंगे, सो दैट कि वो अपनी फील्ड ना क्रिएट कर पाए, मतलब उसकी फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो कि हमारे सोर्स चार्ज की जो फील्ड है वो इफेक्ट हो जाए। समझ में आ रही बात? मतलब हमारा जो क्यू नॉट है ना, उसको हम काफी स्मॉल रखेंगे, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ आर अपॉन क्यू नॉट एंड दिस इज माई वेक्टर E। समझ में आ गई बात? अच्छा, Q नॉट टेंड्स टू जीरो किया है मैंने, Q नॉट इक्वल टू जीरो तो हो गई नहीं। अगर आप Q नॉट को जीरो लोगे, अगर आप टेस्ट चार्ज को जीरो कर दोगे, तो हम डिटेक्ट कैसे करोगे फील्ड को, है ना? तो ऑब्वियसली बात है, आप Q नॉट को जीरो नहीं करोगे, लेकिन हाँ, Q नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट कि वो उसका अपना फील्ड इफेक्ट ना कर दे सोर्स चार्ज के फील्ड को। ठीक है, तो हम ये एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होता है। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अभी तक तो मैंने बात कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, लेकिन अगर मुझे उसे मेजर करना पड़ जाए फॉर अ सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू विच इज पॉजिटिव ऑब्वियसली, ठीक है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, हमें पता है फ्रॉम कूलम्स लॉ क्या कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टू चार्जेस, बिटवीन द टू चार्जेस सॉरी, कितना होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है विच इज वेरी मच ग्रेटर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए, हमने बात कर ली है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, है ना? अगर मुझे एक एक्सप्रेशन निकालना हो फॉर सम पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, तो मैं उसको कैसे निकालूंगी? ठीक है, तो आई हैव अज्यूम्ड हेयर कि जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो वो जो पॉइंट चार्ज है वो मैंने प्लस क्यू लिया है। ठीक है, हम टेस्ट करेंगे उस फील्ड को एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट से, और उसको मैं किसी डिस्टेंस आर पर डालूंगी। ठीक है, अच्छा, मुझे पता है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कुछ इस तरफ होगा, क्योंकि प्लस क्यू नॉट जो है वो इधर मूव करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया है। अच्छा, अभी मैंने देखा था कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन जो है फोर्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस तरफ है, फ्रॉम प्लस क्यू टू प्लस क्यू नॉट है, तो इसलिए मैंने यूनिट वेक्टर को इस तरह कर दिया आर कैप। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हमें पता है क्या, फ्रॉम कूलम्स लॉ अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू, तो मैं कैसे निकालूंगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इनटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर।
ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर वन. नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हमने देखी थी रिसेंटली, आई एम राइटिंग हियर फील्ड. ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने क्या देखा था? ठीक है, हमने ये देखा था कि ये चीज होती है. तो मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दिया. अगर मैं स्केलर फॉर्म लिखती हूं तो मैं कैसे लिखूंगी? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, राइट? तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी. अभी सिर्फ स्केलर स्केलर देख रहे हैं, तो अभी मैं इसको बाद में यूज कर दूंगी. ठीक है, तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर टू. नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या हो गया? इक्वेशन वन एंड टू से क्या होगा कि जो हमारा E है दैट विल बी F की वैल्यू एक तो पुट कर दो आप, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर. ये तो डिनोमिनेटर में है, ऐसे जाएगा Q नॉट विल गेट कैंसल्ड आउट. और फिर क्या होगा? जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा दैट इज E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहां से बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी. क्या? कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन जिस पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो सिर्फ उस पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करेगा. मतलब वो अब सिर्फ अपने सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा. जाहिर सी बात है, उसी पे डिपेंड करना चाहिए ना. क्यों? क्योंकि वो उसी चार्ज के प्रेजेंस की ही तो वजह से ये प्रॉपर्टी जो है या ये जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है. तो जिसकी वजह से वो क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा. उसके बाद वो डिपेंड करेगा आर पे. आर क्या है? आर वो पॉइंट है, आर वो डिस्टेंस है जहां पे हम टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो जिस जगह पर आप टेस्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो उस पॉइंट पे या फिर उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा. लेकिन इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करने वाला. ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मतलब अगर आप फील्ड को यहां कैलकुलेट करोगे आउट ऑफ द फ्रेम कैलकुलेट करोगे, तो वो फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर. आई होप दैट्स क्लियर. नाउ अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में करना हो तो मैं कैसे करूंगी? देखो जरा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी मैं? डायरेक्शन क्या है इसकी? इस तरफ आर क्या. ओके, फर्दर मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ. कैसे? ऐसे भी कर सकती हूँ ना. कैसे किया मैंने ये? देखो, मुझे पता है कोई भी जो एक वेक्टर होता है वो होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर के. तो जो यूनिट वेक्टर है वो तो ऐसा आ जाएगा, वेक्टर आर अपॉन आर. तो वही किया है मैंने यहाँ पर. ओके, आई होप दैट्स क्लियर. तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का, और ये हमारा स्केलर फॉर्मेट हो गया. तो प्लीज कीप इन माइंड, एंड प्लीज आप गलती मत करना, क्योंकि सिंस अभी इनिशियल डेज हैं तो आप कंफ्यूज कर जाओ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. देखो, फोर्स के एक्सप्रेशन में दो चार्जेस आते हैं. ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ डिपेंड करता है अपॉन द सोर्स चार्ज. ठीक है, तो आपको ये चीज जहन में रखनी है जरूर से. ओके, ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, राइट? तो पहली चीज जो ये है वो हमें दिख रही है कि जो E जो है ना हमारा, इट डिपेंड्स अपॉन R, है ना. मतलब अगर मेरे पास एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q और ये मेरी डिस्टेंस स्मॉल R है, इधर मेरा डिस्टेंस स्मॉल R है, दिस इज ऑल्सो स्मॉल R, दिस इज ऑल्सो स्मॉल R, दिस इज ऑल्सो स्मॉल R एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल R. ठीक है, तो ये सारी जो डिस्टेंस है, लेट्स से कि ये बराबर है. ठीक है, और मैं बारी बारी से टेस्ट चार्ज को पुट करूंगी, Q naught बारी बारी से. आई विल पुट टेस्ट चार्ज Q naught एट इक्वल डिस्टेंसेस आर हर डायरेक्शन में. ठीक है, तो होगा क्या? देखो, पता चल रहा है हमें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट डिपेंड्स अपॉन R. तो R तो हर जगह सेम है, हर जगह सेम है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें इस पॉइंट पर मिलेगा, वही इस पॉइंट पर मिलेगा, वही इस पॉइंट पर मिलेगा. एवरीवेयर इट विल बी सेम जब तक हमारा डिस्टेंस R होगा, वॉट एवर द डायरेक्शन भी. जाहिर सी बात है, डायरेक्शन तो बदलेगा, लेकिन I am talking about the magnitude. The magnitude will remain same. तो पहला point ये हो गया. क्या हो गया? कि अगर आप source charge को रखते हो और source charge से किसी particular distance r पे test charge को रखते हो and हर direction में उसी distance पे रखते हो, तो आपको हर direction में field जो है वो same मिलेगी. Field का magnitude will be same. Okay?
आई होप दैट्स क्लियर. अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को स्फीयर के किसी एक स्फीयर के सेंटर पे डाल देती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्फीयर के पूरे सरफेस पर होगी ना, दैट विल बी सेम. समझ में आ रही है बात? तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक. क्या बोला मैंने कि अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को किसी स्फीयर के सेंटर पर रख देती हूं तो स्फीयर की जो भी सरकमफेरेंस होगी, जो भी उसका आउटर सरफेस होगा, तो उस पूरे सरफेस पे फील्ड का जो मैग्नेट्यूड है दैट विल बी सेम. तो दैट इज व्हाट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक इज ऑल अबाउट. समझ में आ गई आपको बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है या फिर क्यों होती है या फिर कैसे होती है, तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन कैसे होती है, क्योंकि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, ई डिपेंड्स अपॉन ऑन आर, इसीलिए ये होती है. और सिंस अगर आर को हम सेम रखेंगे, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, फ्रॉम द सोर्स चार्ज, तो हमारा जो फील्ड का अमाउंट है वो भी सेम आएगा व्हाटएवर द डायरेक्शन भी, बस हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम रखें अगर हम तो. ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो क्या, वो मैं बात करना चाहती हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. ये चीज ना हम बहुत यूज करेंगे, कुछ आगे जाकर हम कुछ चीजें करेंगे जहां पे हम बात करेंगे कि अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो बताइए क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, तो उससे पहले हम ये जानना जरूरी है ना हमारा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, लेट्स से कि अगर हमारे पास ये इतना स्पेस है एंड इस स्पेस में आई एम स्टडीइंग फील्ड. ठीक है, अगर इस स्पेस में हर जगह, चाहे मैं यहां की बात करूं, यहां की बात करूं, यहां की बात करूं, या यहां की, एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, एनी पॉइंट ऑन दिस स्पेस, अगर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम होती है तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है. लेट्स से कि अगर डायरेक्शन ऐसा है तो हर एक पॉइंट का डायरेक्शन ऐसा ही होना चाहिए. मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी है हर एक पॉइंट पर और साथ ही साथ डायरेक्शन का भी सेम होना बेहद जरूरी है. ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? तो ये होती है हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसका मैग्नीट्यूड और जिसका डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्पेस टेकन इनटू अकाउंट. ओके, अच्छा, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अगर अलग अलग पॉइंट्स पर, इनके अलग अलग पॉइंट्स पर, हर एक पॉइंट पर अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो जाता है और डिफरेंट डायरेक्शन हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Alright, now the third point that I am going to talk about is quite important and you should keep in mind wo kya hai. Let's see that. So that is variation with r or distance. ठीक है, r is distance, right? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है या वो कैसे वेरी करता है विद डिस्टेंस, वो हम यहां पर देखेंगे. तो उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में करना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट? तो E जो है वो 1/4πε0Q/r² है, तो मतलब क्या, E जो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के. तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ E वर्सेज 1/r² तो ये तो एक एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको आर स्क्वायर के साथ प्लॉट करती हूँ तो ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस. आई होप दैट्स क्लियर. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? सो टॉकिंग अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी क्यों जरूरी है, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो सिंपल सी चीज है, सीधी सी चीज है कि हमें पता है अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, कोई भी एक सोर्स चार्ज है, उसके अराउंड जो भी फील्ड क्रिएटेड होगा, और अगर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे, राइट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर अगर हम आएंगे तो वो जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो भी फील्ड की वैल्यू होगी उससे हम पता कर पाएंगे कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहां पर फोर्स कितना लगेगा किसी भी चार्ज के ऊपर या किसी चार्ज Q0 के ऊपर.
आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू, है ना, समझ में आती है बात. क्यों नॉट कि अगर कुछ वैल्यू रख देते हैं हम तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हम पता कर सकते हैं. और अगर क्यों नॉट की वैल्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही है, यूनिट ही है, तो वन रख के वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वही फोर्स की वैल्यू हो जाएगी. सो आई होप दैट्स क्लियर. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने समझ में आ गया. अच्छा, इसका जो इंपॉर्टेंस है ना वो एक्चुअली अभी इस लेवल पे आपको इजिली समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि जब आप हायर स्टडीज में जाओगे ना तो जहां पे टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों साथ में एग्जिस्ट करती हैं एंड वो टाइम के साथ वेरी हो रही होती हैं इफेक्ट्स, ठीक है, तो वहां पे बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस प्रूफ हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. लेकिन फॉर नाउ फॉर दिस लेवल बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट फॉर एनी चार्ज. सो लेट्स रैप अप दिस वीडियो. अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है. अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो, कुछ भी छोटा सा भी अगर डाउट है आपके जहन में या कुछ भी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो या फिर मेरे को मेल कर दो. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन हैप्पी लर्निंग.